नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बोईसर पुलिस की नाकामी के चलते महिला का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला आरोपी है कानून के शिकंजे से दूर। महिला भटक रही है इंसाफ के लिए इधर उधर। महाराष्ट्र अंतर्गत महिला सुरक्षा की बात करने वाली महाराष्ट्र सरकार की बोईसर पुलिस ने खुद एक महिला को असुरक्षित कर दिया है। जहां इंसाफ के लिए भटक रही महिला को आरोपी धमकी दे रहा है और फिर भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम है। दरअसल मामला है बोईसर की एक पीड़ित महिला के साथ पहले झांसे से शारीरिक संबंध बनाए जाकर बाद में आरोपी द्वारा ब्लैकमेल करते हुए पैसों की मांग किए जाने पर पैसा नहीं मिलने के चलते महिला का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किए जाने का। आपको बता दें कि बोईसर की इस पीड़ित लड़की ने बोईसर शहर के धनानी नगर के रहने वाले एक आरोपी जिसका नाम आर्य निषाद बताया गया है उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें लड़की का आरोप है कि आरोपी ने पहले उसको शादी का झांसा देकर धोखे से नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया या यूं कहे कि लड़की का बलात्कार किया और उसको आरोपी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में आरोपी ने लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए 50,000 रुपये की डिमांड की, जिस पर समाज में इज्जत उछले जाने के डर से लड़की ने जैसे तैसे आरोपी को 50,000 रुपये दिए। बाद में आरोपी ने फिर 1,00,000 रुपये की डिमांड की, तब लड़की ने पैसा देने से मना कर दिया तो आरोपी ने लड़की का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो वायरल होने की जानकारी पर लड़की ने हिम्मत जुटाकर बोईसर पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवानी चाही, तब वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने गंभीर गुनाह जिसमें बलात्कार एवं ब्लैकमेलिंग के साथ सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो वायरल किए जाने के इतने बड़े गुनाह पर पर्दा डालते हुए सिर्फ लड़की की एनसी रिपोर्ट दर्ज की और लड़की को वहां से भेज दिया। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ नरमी बरते जाने से आरोपी के हौसले और भी बुलंद हो गए एवं आरोपी ने पीड़ित लड़की को फ़ोन पर धमकी दे दी। ऐसा आरोप लड़की ने अपने दिए बयान में दिया है जिसको स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट भी किया हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एवं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर लापरवाही बरतने या यूं कहे कि आरोपी से संगनमत कर मामले पर जानबूझकर पर्दा डालने वाले बोईसर पुलिस थाने में तैनात पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई एवं थानाधिकारी को मामले में उचित कार्यवाही का आदेश दिया है, जिसके चलते आरोपी पर कुछ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया जा चुका है। लेकिन इसी बीच आरोपी फरार हो गया है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में आरोपी आज नहीं तो कल कभी ना कभी कानून के शिकंजे में जरूर आ ही जाएगा और उसको अपने जुर्म की सजा भी जरूर मिलेगी। पीड़ित लड़की ऐसी आंख लगाए बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके साथ में? मेरे साथ में वही असली वीडियो किया है। किसने बनाया असली वीडियो? आर्यन निषाद। कहाँ रहता है वो? धनाई नगर। अच्छा, असली वीडियो बना के उसने आपसे क्या कहा? उसमें क्या बोला, धमकी देने लगा कि वीडियो आपका 4 महीना के बाद मेरे को वीडियो भेजा, वीडियो दिखाया तेरा वो नेट पे डाल दूंगी, मेरे को पैसा दो। उसका मैं पैसा दिया। कितने पैसे की डिमांड की आपसे उसने ये वीडियो ना वायरल करने के लिए? पहले मैं 50,000 दिया, वही के बाद में 1,00,000 का डिमांड किया था। जब उसने 1,00,000 रुपए का डिमांड किया तो उसे आपने क्या बोला? मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 8,000 कमाती हूँ महीना में, मैं कहाँ से दे नहीं पाऊंगी आपके पास। तो बोला तेरा भाई के पास भेज दूंगी, नेट पे डाल दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो उसने सेंड कर दिया? हाँ। और किसी किसे भेजा उसने आपका वो वीडियो? कंपनी में भेजा और गांव वाला पे भेज दिया। तो ये वीडियो के बारे में जब आपको जानकारी प्राप्त हुई कि ये वायरल कर रहा है, तो उस समय आपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज नहीं कराया? कराया था, वो मेरे सुनवाई कुछ नहीं सुना। कब गए थे आप पुलिस स्टेशन में ये तकरार करने के लिए? मैं 2-3 दिन गया। तो क्या कहना था वहाँ पर पुलिस वालों का? पुलिस वाला मतलब सुना मेरे बात कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने, क्या कदम उठाया? मैं
मैं 3-4 दिन गई हूँ पुलिस स्टेशन, मेरे को कुछ सुनवाई नहीं ली। वो मेरा पहचान का था, जाने पहचान का, वो मेरे को लेके गया। फिर उसके बाद में वो एमसी कागज, वो उसका पकड़ के लाया, एमसी बनवाया एक कागज, उसका रखा 15-20 मिनट, फिर बाद में मेरे को भेज दिया घर पे, उसका 12 बजे रात के छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? आर्यन का, पुलिस में उनको छोड़ दिया। हाँ, फिर बयान गया तो वो बोला तेरा यहाँ कुछ सुनवाई नहीं, ये जैसे जाओ। वो वीडियो, असली वीडियो मेरे पास है, मैं पुलिस वालन के दिखाया तो कोई सुनवाई नहीं लिया। वो मेरे को मारने के लिए धमकी दे रहा, कहीं भी मिलेगा तो मेरे को मार डालेगा। क्या मेरे को सामने आके धमकी दिया कि कैसे उसने धमकी दिया? फोन से कॉल किया पे आपको? हाँ। क्या बोला? वो बोला कि तेरे को जहाँ भी मिलोगे वहाँ जान से खत्म कर देंगे ऐसा। अच्छा, आप जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हो? मैं यही गुहार लगाना चाहते हूँ कि मेरा कोई सुनवाई करे। आर्यन निषाद मेरे से बहुत गलत किया। वो कोनो लड़की से आर्यन निषाद गलत नहीं करना चाहिए। मैं यही बोलती हूँ, सरकार से मदद मांगती हूँ। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738